पुरानी कहावत है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। शायद यही साबित करने में जुटी हैं किसानों के परिवार की वो महिलाएं जो फसलें बचाने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। वो अपने बच्चों को भी पाल रही हैं और घर का काम भी कर रही हैं। साथ ही खेतों में जुताई करना हो, ट्रैक्टर चलाना हो या फिर खेतों को पानी लगाना, किसी भी काम में वो पीछे नहीं है। बस उनकी एक ही कामना है कि उनके पुरुष, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली धरने पर गए हैं, वो कामयाब होकर लौटें। हमने करना क्या है, हमारे हस्बैंड, पिताश्री, भाई बहन सब घर से बाहर हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहाँ पे नारे लगा रहे हैं बैठ के, और हम लोग घर में पहले घर संभालते हैं, बाद में बच्चे संभालें, और हम यहाँ पे आके ट्रैक्टर चला के अपनी ये पैलियाँ वा रहे हैं। अब पैलियों में काम करना भी जरूरत है। हमने तो अपने आदमियों से बोल दिया है कि कोई बात नहीं है, जब तुमने आना है तब आना, और आना जीत के, बिना जीते मत आना। घर परिवार प्रॉपर्टी हम सब संभाल लेंगे, खेतों में जो काम करना है हम वो खुद कर लेंगे। बस हमने उनसे कहा है कि तुम वहीं पर रहो और आना जीत के। बुजुर्ग महिला किसान सुखविंदर कौर ने कहा, सरकार जो कानून लेकर आई है वो हमारे हित में नहीं है, इसीलिए सरकार को ये कानून जल्द रद्द करना चाहिए। सब दिल्ली गए हैं मोदी जी की वजह से, सभी जाने वो धरने पे गए। हम सारी खेती किसानी भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, सारा काम हम देख रहे हैं भी। आप जीत करके ही आना घर पे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम सारा काम अपने बाद में पीछे सारा संभालेंगे। मोदी ने सबको परेशान कर रखा है, हम सारा काम अपने आप ही कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, घर का भी देख रहे हैं, खेती किसानी भी कर रहे हैं। ये मोदी जी ने दीन कानून बनाए हैं किसानों के, कानून गलत बनाए हैं, इस हमारे सारे परेशान हैं घर के, सब बच्चे भी गए हैं, हस्बैंड भी गए हैं, हम सारा काम खुद ही देख रहे हैं। महिला किसान प्रतिंदर कौर ने कहा है, मोदी जी ने जो कानून बनाया है वो गैर कानूनी है, हम इस कानून को नहीं मानते, हमने अपने घर वालों को कह रखा है कि जीत कर आना, बगैर जीते मत आना। सर वजह आपको पता ही है, सब लोग वहाँ पे धरने पर दिल्ली पे गए हुए हैं, हमारे पापा जी, भाई लोग, सब लोग वहाँ पर गए हुए हैं, इसलिए हमें खुद ही खेती करनी पड़ रही है, खुद ही घर संभालना पड़ रहा है, सारा काम हमें खुद देखना पड़ रहा है। लेकिन जो भी मोदी जी ने जो कानून बनाया, ये गैर कानून है, हम इन कानूनों को नहीं मानते, हमने अपने घर वालों को कह रखा है, पापा को, भैया लोगों को, आप जीत कर आना, बिना जीते घर मत आना। तो अब आप खेती किसानी कर रहे हैं। आपको बता दें, कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंचे किसानों को अपना घर छोड़े 18 दिन बीत चुके हैं। अपने घरों से दूर दिल्ली बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन कर रहे किसान इतने लंबे समय तक धरना जारी रखने में, ये किसान शायद इसीलिए सफल हो रहे हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी महिलाओं ने खेती किसानी की जिम्मेदारी उठा रखी है। वहीं अपने पति, पिता या बेटे के विरोध प्रदर्शन में जाने के बाद फसलें बर्बाद होने से बचाने की चुनौती कबूल करते हुए ये महिलाएं खेतों की जुताई, फसलों को पानी लगाने से लेकर ट्रैक्टर चलाने तक का कोई भी काम करने से नहीं हिचक रही। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।